नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। ये मैं हूं और ये बोर्ड नंबर 23 है। इस बोर्ड में लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवश्यक सूचना या चेतावनी। चेतावनी किसके लिए है, सुन लीजिए कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भू अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को ही क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन विकास कार्य एवं भूमि आवंटन का अधिकार प्राप्त है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, सोसाइटी को प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण अथवा विकास कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस भूमि पर कोई भी विकास कार्य एवं भू उपयोग परिवर्तन करना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 प्राविधानों के विपरीत है तथा अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए है। साहब ने बोर्ड लगा दिया और बोर्ड की पूरी तीमारदारी हो गई। अब इस बोर्ड की पूरे के पूरे क्षेत्र की परिधि नापेगा कौन? क्या इस बोर्ड के इस तरफ पड़ने वाली छाया इनके अधिकार में आती है, या उस तरफ जाने वाली छाया इनके अधिकार में आती है, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनके पीछे इस तालाब की कहानी या दास्तान कहने के लिए तो मैं खड़ा नहीं हूं। सिर्फ यह एक इशारा है सत्ता, सरकार और सियासत में बैठे हुए लोगों को, उन अधिकारियों के लिए, कि ऐसे बोर्ड पर लिखने मात्र से जमीन और क्षेत्र पर अधिकार नहीं दिख जाते, क्योंकि आपके पीछे ना जाने कितनी प्लॉटिंग और कितने जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी होगी। और ऐसी रजिस्ट्री करने वाले लोग शायद कभी अपनी कुर्सी से हटकर इस बोर्ड तक आते होंगे। तो सावधान रहिए और ऐसे बोर्ड की सीमा लिख कर दीजिए, इस पे नक्शा लगाइए कि फला 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 जगह इस क्षेत्र में आती है। क्योंकि हम बोर्ड नंबर 23 में है, हो सकता है 1 से लेकर 23 तक बीच का इलाका इसके क्षेत्र में आता हो, लेकिन अभी के लिए तो यह बोर्ड जहां टगा है बस उतनी ही जमीन इनकी है। और वो जमीन भी इस सड़क पर आती है, जो सड़क साफ तौर पर राज्य सरकार की होगी और उसकी इस परिधि में इस बोर्ड का लगना भी एक तरीके का इंक्रोचमेंट है। और यह अतिक्रमण करके किसी अतिक्रमण ना करने की नोटिस लगाना कितनी जायज है, यह तो बांके बिहारी जी और वृंदावन ही जाने। बाकी राम राज्य है, राम जी की कृपा होगी तो अपने आप पता चलेगा कि इस बोर्ड की बादशाहत और इसको लिखने वाले अधिकारी की अपनी पहुंच, इंक्रोचमेंट करने के समय यानी इस बोर्ड पे लगाते वक्त इतनी थी या कुछ और है। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में, गांव की गूंज दिल्ली तक। बोर्ड नंबर 4 है और इसमें भी वैसी ही सूचना दर्ज है जैसी बोर्ड नंबर 23 में है, और इसका भी इलाका इसके बोर्ड के नीचे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पीछे जो कुछ आप देख रहे हैं, यह साफ तौर पर इस बोर्ड पीछे बनाई जा रही दुनिया की ऐसी तस्वीर है जिसको शायद यह अधिकारी रोज देखते, सुनते और समझते होंगे। लेकिन मजाल है कि पहले अतिक्रमण पूरी तरीके से डेवलप हुए बिना इनकी नज़र में यह सब कार्रवाई आ जाए। आखिर इतनी बड़ी धर्मशाला और आश्रम बनाने का ख्याल इन आश्रम बनाने वालों को कैसे आया होगा, जब इतने बड़े बड़े बोर्ड में चिल्ला कर लिखा जा रहा है कि यह जमीन किसकी है। यह खेल इतना बड़ा है जिसमें सत्ता, सियासत, अधिकारियों का एक कुनबा शामिल है। देखिए इस पे कौन क्या करता है।